हेलो माय डियर सीए और सीएम इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स, सो फर्स्ट ऑफ ऑल सो थैंक यू सो मच टू ऑल ऑफ यू जो आपको नवंबर दिसंबर एग्जाम्स के लिए जो हमारा प्रैक्टिस बैच चल रहा है उस पर आपका इतना अच्छा रिस्पांस देने के लिए थैंक यू कि आपको ये इतना अच्छा लग रहा है। ठीक है, आप स्टूडेंट्स कल के सेशन में हमने कवर किया था इनकम फ्रॉम सैलरीज के प्रैक्टिकल क्वेश्चन, 8 क्वेश्चन हमने वहाँ कवर किए थे। आज हम करेंगे उसका नेक्स्ट पार्ट इनकम फ्रॉम सैलरीज का। ठीक है, अब मैम अगर अभी तक फर्स्ट पार्ट नहीं देखा डू नॉट वरी एट ऑल, आप क्या कर सकते हो आफ्टर दिस सेशन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, फर्स्ट वीडियो आपको स्क्रीन पे दिख भी रही है, आप तब जाकर उसको कवर कर लेना। ठीक है, चलो स्टार्ट करते हैं अब हमारी इलस्ट्रेशन नंबर 9 से। अब इलस्ट्रेशन नंबर 9 में है, मिस्टर दत्ता रिसीव वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन ऑफ ₹7 लाख आफ्टर 30 ईयर्स 4 मंथ्स ऑफ सर्विस। येस, इट्स इंपॉर्टेंट फॉर सी ए एज वेल एज फॉर सी एम ए इंटर स्टूडेंट्स। ठीक है, अब यहाँ पे एक मिस्टर दत्ता है जिनको कि वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन मिला। क्या मिला? वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन। ठीक है, कि भाई आप खुद से रिटायरमेंट ले लो, हम इसके लिए आपको कंपनसेट भी कर देंगे। कितना अमाउंट मिला है उनको? मिला है 7 लाख रुपये। कितना? 7 लाख रुपीज। कितने साल उन्होंने कंपनी में काम किया है? तो उन्होंने 30 ईयर्स एंड 4 मंथ्स की अपनी सर्विस दी है वहाँ पर। ठीक है, अच्छा अब बात आती है कि उनका कितना टाइम पेंडिंग था जो उनको कहा आप खुद से रिटायरमेंट ले लो, तो अभी भी उनके 6 ईयर्स जो है ना वो वहाँ पे पेंडिंग थे। देखो लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ही स्टिल हैज 6 ईयर्स ऑफ सर्विस लेफ्ट एट द टाइम ऑफ वॉलेंट्री रिटायरमेंट। वो कितनी बेसिक सैलरी ड्रॉ कर रहे थे? 20,000 पर मंथ। डीएनएस अलाउंस विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ पे, दैट इज डीपी है ये, तो ये 5,000 रुपये पर मंथ था। कंप्यूट इज टैक्सेबल वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन, और अज्यूम कर लेना कि कोई भी रिलीफ नहीं क्लेम किया सेक्शन 89 में। अच्छा ये मैंने आपको क्या बताया था मैम, सेक्शन 10 क्लॉज नंबर 10C क्या बोलता है? उसने हमें 4 लिमिट्स दी हुई हैं कि लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शेल बी एग्जाम्प्टेड इन केस ऑफ VRS। पहला तो क्या है? दो तो वही सेम जो हर केस में आती है। क्या करते हैं यहाँ पर? फर्स्ट वन इज एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड। कितना मिला है भाई? 7 लाख रुपये मिला है। सेकेंड आता है कि जो भी स्टैचुटरी लिमिट दी हुई होती है, अब यहाँ पर स्टैचुटरी लिमिट कितनी होती है? स्टैचुटरी लिमिट होती है 5 लाख। फिर थर्ड केस स्टूडेंट्स हमारे पास आता है कि क्या करना होता है, हमें 3 मंथ की सैलरी लेनी होती है, और ये 3 मंथ की सैलरी हमें लेनी है जितने भी ईयर्स कंप्लीट करे। कंप्लीट कितना करा है मैम उसने? 30 ईयर्स कंप्लीट करे। ठीक है ना, तो लिखते हैं स्टूडेंट 3 मंथ की सैलरी। अब यहाँ पर देखो 3 मंथ की सैलरी मतलब बेसिक सैलरी कितनी थी? 20,000 पर मंथ, और DA दिया हुआ है विच फॉर्म्स पार्ट ऑफ पे 5,000 पर मंथ, यानी टोटल आ गया 20,000 प्लस 5,000, ये है पर मंथ। मुझे लेनी है 3 महीने की सैलरी, और कितने सालों के लिए देखना है? जितना उसने टाइम कंप्लीट करा, दैट इज 30 ईयर्स। कितना आ गया कैलकुलेट करो, कैलकुलेटर्स होंगे आपके पास। 25,000 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 30, इट कम्स 22,50,000। अब ये तो था जितना टाइम कंप्लीट किया उसके बेसिस पर। नेक्स्ट हम फाइंड आउट करेंगे कि जितना टाइम रह रहा था उसके बेसिस पर क्या है। तो स्टूडेंट्स हम फोर्थ पॉइंट में लेते हैं, लास्ट मंथ की सैलरी मल्टीप्लाई बाय जितने भी रिमेनिंग मंथ्स उसके बचे हुए हैं। मंथ्स क्यों? क्योंकि देखो यहाँ पे भी ना हमने 3 से मल्टीप्लाई करके उसको मंथ्स में ही तो कंप्यूट कर लिया कि हर साल के 3-3 महीने ले लिए, ठीक है ना, तो इसको भी हम मंथ्स में निकालेंगे। लास्ट ऑन सैलरी कितनी थी? सेम, दैट इज 25,000 मल्टीप्लाई बाय कितने महीने रह रहे हैं। अब इसको ध्यान से देखना, कितने मंथ्स लेफ्ट है? 6 ईयर्स लेफ्ट है, ठीक है, और हर साल में कितने महीने होंगे? 12 महीने, तो यानी दैट कम्स टू 72। करो स्टूडेंट्स, 25,000 मल्टीप्लाई बाय 72, इट कम्स 18 लाख रुपीज। ठीक है, अब इसमें से सबसे कम कौन सा है? 5 लाख रुपीज। सो दिस 5 लाख रुपीज शेल बी एग्जाम्प्टेड, यानी टैक्सेबल VRS कितना आ जाएगा? अच्छा देखते हैं एक बार उसने क्वेश्चन में पूछा क्या था एग्जैक्टली। उसने कहा कंप्यूट इज टैक्सेबल वॉलेंट्री रिटायरमेंट कंपनसेशन, टैक्सेबल जिस पर टैक्स लगेगा। तो स्टूडेंट्स 7 लाख रुपीज रिसीव हुआ, 5 लाख रुपीज एग्जाम्प्ट हो गया, तो कितना बचा? 2 लाख रुपीज। ठीक है, तो दिस इज द टैक्सेबल VRS। नाउ व्हाट इज द वे टू डू दिस? हम इसको बनाएंगे आंसर का पार्ट, क्योंकि उसने टैक्सेबल VRS पूछा है, और ये 5 लाख रुपये पे हम देंगे वर्किंग नोट, और जो मैंने वर्किंग्स आपको करके दिखाई वो आप करोगे। अच्छा अब यार एक बात बताओ, अगर यहाँ कमीशन दी होती तो क्या सैलरी में लेते? हाँ जी लेते, क्योंकि VRS के लिए सैलरी क्या होती है? बेसिक प्लस DA इफ फॉर्म पार्ट्स ऑफ रिटायरमेंट और एम्प्लॉयमेंट,
प्लस कमीशन, लेकिन कमीशन सिर्फ तब अगर वो टर्नओवर का फिक्स परसेंटेज कुछ दिया होता है, ठीक है, फ्लैट नहीं दियो, टर्नओवर का परसेंटेज दिया हो। ओके, आई होप ये क्वेश्चन भी सबको क्लियर है। देखो कहीं भी डाउट्स आ रहे हैं तो प्लीज डाउट पूछते रहो और साथ ही साथ मुझे बताते रहो कि आपको नेक्स्ट चैप्टर कौन सा करना है, ठीक है। चलो नाउ द नेक्स्ट इलस्ट्रेशन इज इलस्ट्रेशन नंबर 10। अब इलस्ट्रेशन नंबर 10 में देखिए क्या दिया हुआ है, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, सो लेट्स डू इट। इनफैक्ट लेट्स डू वन थिंग फॉर द इलस्ट्रेशन नंबर 10, ठीक है स्टूडेंट्स। ये वाला जो है ना, ये नॉर्मल प्रोविजन से थोड़ा सा अलग है, तो इसके लिए ना मैं आपको एक सेपरेट क्लास कल प्रोवाइड कर दूंगी, जिससे कि आप उसको और ज़्यादा अच्छे से समझ पाओगे, ठीक है। तो इस पर सिर्फ एक क्लास आएगी आपके पास कल, जिसमें सिर्फ और सिर्फ इलस्ट्रेशन नंबर 10 कवर होगी, तो फटाफट से सब देख लेना, ठीक है। तो अभी के लिए मैं पेंडिंग रखती हूँ और इसको मैं नेक्स्ट क्लास में एक इलस्ट्रेशन करवाऊंगी, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारे पास बात आती है, कम ऑन द पेज नंबर 4.58, पेज नंबर 4.58, इलस्ट्रेशन नंबर 11। मिस्टर डी वेंट ऑन अ हॉलीडे ऑन 25th दिसंबर 2022 टू दिल्ली विद हिज वाइफ एंड 3 children। मिस्टर डी छुट्टियों पे गए हैं, हॉलीडे पे गए हैं, ठीक है, एग्जाम्स के बाद हम सब भी चलेंगे, तो अपनी वाइफ और 3 children के साथ, जिसमें से एक सन की एज है 5 साल और 2 twin daughters हैं एज 3 years, ठीक है। दे वेंट बाय फ्लाइट, इकोनॉमी क्लास में गए हैं, और टोटल कॉस्ट ऑफ टिकट्स जो एम्प्लॉयर ने उनको दी है 60,000, 45,000 अडल्ट्स के लिए है और 15,000 रुपये 3 उसके माइनर चाइल्ड्स के लिए है। हमें बताना है कितना लीव ट्रेवल कंसेशन जो है एग्जाम्प्ट होगा। अब पहली बात तो स्टूडेंट्स देखो, मैम ये 3 children है, एग्जाम्पशन तो 2 के लिए मिलती है। हाँ, एग्जाम्पशन 2 के लिए मिलती है स्टूडेंट्स, आई अग्री टू योर पॉइंट, लेकिन हमने क्या पढ़ा था कि अगर एक सन, मतलब एक सन या डॉटर प्लस जो बाद के जो 2 उसके चाइल्ड है ना, वो ट्विंस है, ठीक है, वो 2 twins है, तो फिर सबके लिए उसको एग्जाम्पशन मिलेगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर वो रिस्ट्रिक्शन एप्लीकेबल नहीं होगी, साथ ही साथ वो किससे गया है, इकोनॉमी क्लास में गया है, एयर में इकोनॉमी क्लास में, तो एंटायर रीइंबर्समेंट उसकी फुली एग्जाम्प्ट हो जाएगी, क्लियर। इलस्ट्रेशन नंबर 12 उसने कहा कि क्या कोई डिफरेंस होता अगर ये जो 3 children है, ट्विन वर 5 years old एंड द सन 3 years old, इसका मतलब मैम ये क्या बात है, अरे दिमाग लगाओ, क्या है, ट्विंस 5 years old है, मतलब ऑलरेडी उसके पास 2 twins हैं, फिर उसके पास एक और चाइल्ड हुआ है, ठीक है, तो सिर्फ इन 2 के लिए एग्जाम्पशन क्लेम कर सकता है, 3rd one के लिए नहीं, क्योंकि 2 पे ही एप्लीकेबल होती है एग्जाम्पशन। अब क्या करेंगे, तो निकाल लेते हैं ना, बहुत ईजी है ये, तो उसको 3 child के लिए कितना टिकट का पैसा मिला है, 15,000, एक के लिए निकाल लूँ मैं, ठीक है 5,000, इसका मतलब 5,000 रुपये वो जो उसके इसके सन के लिए मिले हैं हु इज 3 years old, वो एग्जाम्प्ट नहीं होंगे। तो टोटल अमाउंट ही इज रिसीव 60,000 माइनस 55,000 एग्जाम्प्ट हो जाएगा, और ये 5,000 रुपये पे लग जाएगा टैक्स, क्लियर। और यू कैन से कि भाई देखो उसको एग्जाम्पशन, अब आपको क्या करना है, क्लियरली लिख कर बता दोगे कि जो LTC एग्जाम्प्ट होगा वो सिर्फ 55,000 का होगा, क्योंकि 5,000 पर टैक्स लगेगा, क्लियर, ठीक है। इसको हम इस वे से कर देंगे कि देखो तरीका ये भी सही है, बट जैसा एग्जामिनर ने पूछा तो हम उसको एग्जैक्टली लिख देंगे कि 60,000 माइनस 5,000 जिस पे टैक्स लगेगा, क्योंकि एग्जाम्पशन नहीं मिलेगी इस पर, 55,000 इज एग्जाम्प्टेड। ओके, लेट्स डू इट। नेक्स्ट हमारे पास स्टूडेंट्स अब आता है इलस्ट्रेशन नंबर 13, आ जाइए, ये बहुत बार एग्जाम्स में रिपीट हो चुकी है, CA इंटर में भी और CMA इंटर में भी, ठीक है, तो अच्छे से इसको करते हैं। कंप्यूट द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परक्यूजिट इन रिस्पेक्ट ऑफ मेडिकल फैसिलिटीज रिसीव्ड बाय मिस्टर जी फ्रॉम हिज एम्प्लॉयर। मिस्टर जी को अपने एम्प्लॉयर से कुछ मेडिकल फैसिलिटीज रिसीव हुई हैं, देखते हैं कितना कितना। मेडिकल प्रीमियम अपनी हेल्थ के लिए पे किया था, ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जी फैमिली डॉक्टर से करवाया है, मिसेज जी का ट्रीटमेंट एक गवर्नमेंट हॉस्पिटल में हुआ है, उसके ग्रैंडफादर का ट्रीटमेंट प्राइवेट क्लिनिक में हुआ, मिस्टर जी की मदर जो 68 ईयर्स है और डिपेंडेंट है, फैमिली डॉक्टर ने कर दिया है, मिस्टर जी की सिस्टर अगेन डिपेंडेंट है, नर्सिंग होम में ट्रीटमेंट हुआ है, मिस्टर जी का ब्रदर इंडिपेंडेंट है, फिर भी उसके लिए कितना लगाया, 6,000 लगा दिए थे, मिस्टर जी के फादर 75 ईयर्स एंड डिपेंडेंट अब्रॉड गए ट्रीटमेंट के लिए, एक्सपेंस ऑफ स्टेइंग अब्रॉड ऑफ द पेशेंट 30,000 और जो लिमिट स्पेसिफाई करी थी RBI ने इसके लिए 75,000। करें स्टूडेंट्स ये क्वेश्चन, जल्दी से बताओ। ओके, लेट्स डू इट। तो देखो स्टूडेंट्स, एक तो इस क्वेश्चन में
यहाँ पर एब्रॉड की बात करिए तो मैम उसके ग्रॉस टोटल इनकम देख लें, क्या देखते थे कि अगर भाई 2 लाख तक की है ग्रॉस टोटल इनकम बिफोर इंक्लूडिंग दिस बिफोर एक्सक्लूडिंग दिस एक्सपेंडिचर एंड ऑल, तो इन दैट केस तो वो कहता है कि ठीक है आपको एग्जम्पशन मिल जाएगी ट्रैवलिंग वाली भी, अदरवाइज नहीं। लेकिन जीटीआई के बारे में कुछ नहीं दिया तो हम ये मान रहे हैं हाँ 2 लाख से नीचे ही है, ठीक है, एक्सीड नहीं हो रही, मतलब एग्जम्पशन मिलेगी। अब मेडिकल प्रीमियम पे किया फॉर इंश्योरिंग हेल्थ ऑफ मिस्टर जी 7,000 रुपीज, टैक्स लगेगा? नहीं, इट विल बी एग्जम्प्टेड। क्यों एग्जाम्प्ट होगी? मतलब उसको परक्यूजिट नहीं मानोगे, ऐसा नहीं मानोगे कि एम्प्लॉयर ने और कुछ अलग से दिया है। रीजन भी मेडिकल, अगर वो खुद इंश्योरेंस करवा रहा है तो इन दैट केस दैट इज एग्जाम्प्टेड, ठीक है, एग्जाम्प्ट हो जाएगा। ओके, ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जी बाय हिज फैमिली डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर नहीं, गवर्नमेंट क्लिनिक में जाते तब गवर्नमेंट बात मानती, ठीक है, तो दैट विल बी टैक्सेबल, इस पर टैक्स लगेगा। अब जिस जिस पे टैक्स लगेगा मैं हाईलाइटर से मार्क कर रही हूँ। ट्रीटमेंट ऑफ मिसेज जी इन अ गवर्नमेंट हॉस्पिटल, मिसेज जी का गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, ठीक है, एग्जाम्प्टेड। मिस्टर जी ग्रैंड फादर इन अ प्राइवेट क्लिनिक, क्या लगेगा? टैक्स लगेगा 12,000 पे। ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जी मदर जो कि 68 ईयर्स एंड डिपेंडेंट है बाय फैमिली डॉक्टर, फैमिली डॉक्टर से करवाया है तो जी टैक्स लगेगा। अब एक मिनट मैम, मदर है इसलिए टैक्स लगेगा या क्या है? नहीं देखो स्टूडेंट, एक तो रिलेटिव्स की डेफिनेशन सुन लो, जिस जिसके लिए यहाँ पर उसको क्या मिलती है, एग्जाम्पशन मिलती है। अगर तो स्पाउस या चिल्ड्रन है तो हमने बात करी थी कि भाई स्पाउस और चिल्ड्रन चाहे डिपेंडेंट हो, इंडिपेंडेंट हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, कुछ भी हो, एग्जाम्पशन मिलेगी। लेकिन अगर फादर, मदर, ब्रदर और सिस्टर की बात करें तो इनके केस में एग्जाम्पशन सिर्फ तब मिलती है इफ दे आर डिपेंडेंट ऑन दैट पर्सन, ठीक है, तो अगर वो डिपेंडेंट है तभी उनको वहां एग्जाम्पशन मिलेगी, ठीक है। अब बात आती है मैम, फिर मदर जो है वो डिपेंडेंट है फिर भी एग्जाम्पशन नहीं मिली, द रीज़न बीइंग क्योंकि स्टूडेंट वो जो है फैमिली डॉक्टर से करवाया, गवर्नमेंट क्लिनिक में नहीं, ठीक है। अब यहाँ से आप समझ गए होंगे 12,000 रुपये पे टैक्स क्यों लगा, क्योंकि ग्रैंडफादर को उन्होंने इस केस में कंसिडर ही नहीं किया। सो इट्स नॉट अबाउट द प्राइवेट क्लिनिक और द गवर्नमेंट क्लिनिक, क्योंकि ग्रैंडफादर को वो रिलेटिव नहीं मान रहे फॉर दिस प्रोविजन, तो इस दैट केस वहाँ पर टैक्स लगा है, ठीक है। आंसर में ना इन्होंने सारी बातें लिखी नहीं है, रीज़न उनको लग रहा है ठीक है उनको कौन से मार्क्स मिलने हैं बट आपको मिलने हैं, सो यू हैव टू राइट डाउन ईच एंड एवरी पॉइंट विच आई एम टेलिंग टू यू कि भाई ग्रैंड फादर को रिलेटिव में नहीं मान रहे इस वजह से उन पे टैक्स लग रहा है, ठीक है। सो आपको हर पॉइंट लिखना है, स्टडी मैट में नहीं दिया हुआ बट यू हैव टू राइट, इंस्टीट्यूट को मार्क्स नहीं मिलने, इंस्टीट्यूट ने आपको मार्क्स देने, ठीक है। नेक्स्ट स्टूडेंट्स, ट्रीटमेंट ऑफ मिस्टर जी की सिस्टर डिपेंडेंट है लेकिन नर्सिंग होम में ट्रीटमेंट हुआ है ना, तो येस इट विल बी टैक्सेबल, ठीक है, मतलब ये मानेंगे उसको एडिशनल बेनिफिट मिला है। क्या चल रहा है मैम, खर्चा करने पे टैक्स? नहीं, ये खर्चे उसको रिसीव हो रहे हैं एम्प्लॉयर से, यानी एक एडिशनल बेनिफिट मिल रहा है उसको, परक्यूजिट मिल रहा है। ट्रीटमेंट हुआ है मिस्टर जी के ब्रदर का, इंडिपेंडेंट है ना, तो टैक्स लगेगा। ओके, मिस्टर जी के फादर का जो 75 इयर्स के इंडिपेंडेंट है, यानी ठीक है रिलेटिव है, एब्रॉड में हुआ है, कितना 50,000 मेडिकल ट्रीटमेंट पे लगा और एक्सपेंस लगे स्टेइंग एब्रॉड द पेशेंट 30,000, यानी स्टूडेंट्स टोटल कितना लगा? पहले तो मैम क्या एक्सपेंडिचर अलाउड होगा फॉर स्टेइंग एब्रॉड? यस, होता है अलाउड, ठीक है, पेशेंट का वहाँ पे अलाउड होता है। तो अब स्टूडेंट्स बात आई 50,000 प्लस 30,000 दैट इज 80,000, लेकिन लिमिट कितनी स्पेसिफाई करी आरबीआई ने? 75,000, तो 75,000 तक एग्जाम था, 5,000 रुपये पे टैक्स लगेगा, यानी टोटल टैक्सेबल अमाउंट्स कौन कौन से आ गए स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं। 5,000 प्लस 12,000 प्लस 8,000 प्लस 3,000 प्लस 6,000 प्लस 5,000 दैट इज 39,000। ओके, चलिए ये हो गया हमारा आंसर, मैम 39,000, क्लियर है, ठीक है स्टूडेंट। देखो अब बात आती है, एक बार मैं आपको इसका प्रोविजन एक बार दिखा भी देती हूँ। हमने बात करी थी स्टूडेंट कि जब ट्रैवलिंग एक्सपेंडिचर पेशेंट का या अटेंडेंट का सिर्फ तब एग्जाम होता है अगर एम्प्लॉय की जीटीआई जो है बिफोर इंक्लूडिंग द सेड एक्सपेंडिचर वो 2 लाख रुपये को एक्सीड नहीं करती। अब यहाँ 2 लाख वाली कोई बात ही नहीं कही है तो मैंने उस प्रोविजन को इग्नोर कर दिया, ठीक है। पेपर में ऐसा आया तो आई टोल्ड यू हम जीटीआई दी है तो बिफोर इंक्लूडिंग दिस एक्सपेंडिचर आप 2 लाख रुपये वाली चीज़ देखोगे। ओके, चलो नेक्स्ट स्टूडेंट्स हमारे पास बात आती है, नेक्स्ट क्वेश्चन इंटरेस्टिंग लग रहा है सालवी चैप्टर, तो फटाफट वीडियो लाइक कर दो और मुझे बताओ जरूर कि आपको कितने अच्छे से समझ आ रहा है और ये प्रैक्टिस बैच आपको यूजफुल लग रहा है या नहीं, ठीक है। नेक्स्ट इज इलस्ट्रेशन नंबर 14। मिस्टर सी इज अ फाइनेंस मैनेजर इन एबीसी लिमिटेड, कंपनी ने उसको प्रोवाइड करा है रेंट फ्री अनफर्निश्ड अकोमोडेशन,
हाउस रेंट अलाउंस जो भी ये सोच रहा है ना, आज की आज सैलरी चैप्टर को ना दोबारा से रिवाइज कर लो, ठीक है। क्यों स्टूडेंट्स, आप ध्यान से देखो, हाउस रेंट अलाउंस का मतलब है कि मैंने मेरे एम्प्लॉय को कुछ पैसे दे दिए, अमाउंट दे दिया डायरेक्टली, मनी दी है कि हाँ चलो भाई तुम जाओ और यहाँ पर पेमेंट कर लेना अपनी, ठीक है। मैंने उसको पैसे दे दिए, मान लो मैंने उसको HR दिया 10,000 रुपये, तो मैंने उसको रुपये दिए हैं, मनी दी है कि आप जाकर अपने घर का रेंट पे कर लेना। इन कंपैरिजन टू दिस, व्हाट इज़ द RFA, रेंट फ्री अकोमोडेशन में मैं उसको पूरा घर दे रही हूँ रहने के लिए कि आइए घर है आप जाके घर में रह लो, रेंट नहीं देना आपको, दैट इज रेंट फ्री है, उसको टोटल अकोमोडेशन दे दिया। तो स्टूडेंट ये कैटेगरी है अलाउंस की, और ये कैटेगरी है दैट इज RFA इज द कैटेगरी ऑफ परक्यूजिट, ठीक है। तो इस पॉइंट को अच्छे से समझेंगे आइए, ठीक है। अब हमने स्टूडेंट परक्यूजिट के केस में क्या पढ़ा था जल्दी से मुझे बताओ। हमने उसमें पढ़ा था कि अगर पहले तो ये देख लो कि वो जो घर उसको दिया गया है एम्प्लॉयर का खुद का है या फिर एम्प्लॉयर ने उसको रेंट पे लिया है या फिर क्या, आइए देखते हैं। बेसिक सैलरी इसको मिल रही थी 6,000 पर मंथ की, साथ ही साथ DA मिला है 30% रिटायरमेंट बेनिफिट्स के लिए है 2,000 पर मंथ, ठीक है। 2,000 में से 30% दैट इज 600 रुपीज DNS पे है, मतलब वो रिटायरमेंट बेनिफिट के लिए है। बोनस मिला है 1,500 पर मंथ, ठीक है। अब एग्जाम में DNS पे नहीं, वो आपके मेरे बीच की बात है, लिखोगे DNS अलाउंस इन टर्म्स ऑफ रिटायरमेंट 600। चलो इवन दो द कंपनी अलॉटेड द हाउस टू हिम ऑन 1st April 2022, कंपनी ने उसको ये घर 1st अप्रैल को दे दिया था रहने के लिए, लेकिन उसने ऑक्यूपाई किया है 1st नवंबर से। अब क्योंकि कुछ नहीं दिया कि कंपनी का खुद का घर है या क्या, तो कैसे ले, क्या ये दिया है कि कंपनी ने किसी आगे इस घर के लिए रेंट पे किया, नहीं। सो वी आर अज्यूमिंग कि उसका खुद का ही घर है, तभी तो रेंट पे नहीं कर रहा। अब ऐसे केसेस में व्हाट इज द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द पर्क, पहली बात जो सबसे बड़ी गलती बच्चे करते हैं, एग्जम्पशन निकाल रहे हैं हम, एग्जम्पशन नहीं है। परक्यूजिट के केस में डायरेक्टली टैक्सेबल अमाउंट आता है, याद आ गया ना, ठीक है। जैसे कार के केस में आ रहा था कार परक्यूजिट एंड ऑल, अब इसमें स्टूडेंट्स हमने बोला था कि अगर खुद का घर है कंपनी का सो हम लेंगे 15% ऑफ द सैलरी फॉर दिस पर्पस, 15% ऑफ द सैलरी फॉर दिस पर्पस। नाउ व्हाट इज अ सैलरी इन दिस केस, जल्दी से बताओ। तो सैलरी में हम लेते हैं स्टूडेंट्स एक तो बेसिक सैलरी, अच्छा इसमें ऐसा कुछ था कि बेसिक प्लस DP प्लस कमीशन या ऐसा कुछ नहीं ना, इसमें मैंने आपको एक फॉर्मूला करवाया था, आइए उसके बारे में बात करते हैं। अब देखो स्टूडेंट्स, मैंने आपको क्या बोला था कि सैलरी के लिए हम लेंगे सब कुछ, ऑल थिंग्स 100%, लेकिन उसमें से 5% को मैं निकाल रही हूँ, यानी 5 चीज़ें एक्सक्लूड करनी है। एक तो स्टूडेंट DNS और DNS अलाउंस और DNS पे, DNS अलाउंस माइनस, हाँ सिर्फ वो वाला DNS अलाउंस माइनस करते हैं, मतलब उसको हम सैलरी का पार्ट नहीं मानते जो कि एम्प्लॉयमेंट बेनिफिट का पार्ट नहीं है, यानी 2000 में से 600 को सैलरी मानेंगे, बाकी को नहीं मानेंगे, क्योंकि 30% इज फॉर द एम्प्लॉयमेंट पर्पस इन आवर क्वेश्चन। फिर मैंने कहा था एम्प्लॉयर का जो कॉन्ट्रीब्यूशन है जो किसी भी PF में डाल रहा है एम्प्लॉय के लिए, ऐड नहीं होगा। थर्ड, ऐसे अलाउंसेस जो ऑलरेडी एग्जम्प्ट कर दिया, अरे एग्जम्प्ट कर दिए वापस से सैलरी में, मतलब यहाँ, ठीक है। फोर्थ, ऐसे पर्क्स जिनको सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 में हमने बात करी थी, यानी इसमें इस वाले पर्क्स की वैल्यू भी माइनस करेंगे, उनको ऐड नहीं करेंगे। या फिर स्टूडेंट्स और कोई भी एक्सपेंडिचर है जिसको अगेन सेक्शन 17 सबसेक्शन 2 ने जिसके बारे में बात करी थी, मैम ये 17 सबसेक्शन 2 क्या है जो अभी क्वेश्चन किया था, दैट इज मेडिकल इंश्योरेंस प्रीमियम वाला, ठीक है। तो वो ऐड नहीं होगा, बाकी सब यहाँ ऐड होगा। तो इन दिस क्वेश्चन वी आर गोइंग टू ऐड 6,000 रुपीज, 2,000 रुपीज का 30% 600 एंड द 1,500 रुपीज ऑल्सो। कितने मंथ्स के लिए लेते हैं, जब उसने ऑक्यूपाई किया होता है सिर्फ उतने महीनों के लिए, उसको अलॉट कब हो गया हमें मतलब नहीं था, RFA के केस में ऑक्यूपेशन दिखते हैं, ठीक है, RFA के केस में ऑक्यूपेशन। तो नवंबर, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, मार्च, 5 महीनों के लिए ऑक्यूपाई था, ओके स्टूडेंट। सो हियर द आंसर शेल बी 6,000 मल्टीप्लाई बाय फाइव प्लस 2,000 का 30% 5 months के लिए प्लस 1,500 into 5। नाउ मैम वाई आर यू टेकिंग द 5 इन ईच एंड एवरी केस, एक साथ 5 से मल्टीप्लाई कर दे। मान लो क्वेश्चन में उसने अलग अलग पॉइंट्स दे दिए होते, ठीक है, कुछ ऐसा दे दिया होता तो वो ट्रिकी ना हो जाए, इसलिए मैंने आपको अलग अलग करके दिखा दिया। चलो देखते हैं, सो 6,000 into 5 डैट इज 30,000 प्लस 600 into 5 डैट इज 3,000 प्लस 1,500 into 5
1500 इंटू 5 7500, ठीक है। सो 33000 प्लस 7500 कितना आ गया स्टूडेंट्स, ये हमारे पास ये आ गया 40500। इस 40500 का 15% विच कम्स टू 6075, तो 6075 जो है वो टैक्सेबल रहेगा। और हाँ, एग्जाम में लिखकर बताओगे कि ऑक्यूपेशन जो है वो सिर्फ और सिर्फ 5 महीनों के लिए थी, तो हम भी 5 मंथ्स का देख रहे हैं, ठीक है। अब उसने कहा, यूजिंग द डाटा गिवन इन द प्रीवियस इलस्ट्रेशन 14 जो अभी करी है, कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द पर्थ। अगर मिस्टर सी को रेंट देना पड़ता 1000 रुपये पर मंथ, तो क्या था? अरे इट्स वेरी इजी स्टूडेंट्स, क्या था? जितना पे करा है उसको माइनस कर दो बस, क्योंकि उतने का उसने एहसान नहीं लिया, परक्यूजिट नहीं लिया। यानी टोटल हमारे पास इसकी वैल्यू आई थी अभी 6075 में से उसने 1000 रुपीज पर मंथ जब ऑक्यूपाई किया तभी पे करेगा 5 महीने के लिए, तो 5000 रुपीज माइनस कर दो एंड बैलेंस 1075 शेल बी टैक्सेबल। क्लियर, समझ आ गया? चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 16 उसने कहा है, इसी डाटा को देखते हुए वैल्यू निकालो पर की। अगर एबीसी लिमिटेड यानी अब कंपनी ने उस अकोमोडेशन को लीज रेंट पर लिया था, फिर 15% चलेगा क्या? अब देखो कैसे होगा। और मिस्टर सी ने क्या किया स्टूडेंट, 1000 पर मंथ का रेंट भी पे किया। तो पहली बात तो ये कंपनी का अब रेंटेड घर है। अब स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पे बात करी थी कि देखो, जब उस कंपनी ने पहली बात तो ये घर रेंट पर लिया, तो फिर क्या माना जाएगा, उसकी पर की वैल्यू क्या रहेगी? अब मैम हम पर की वैल्यू देखते हैं यहाँ पर, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग, मतलब पहला तो जितना कंपनी ने रेंट पे किया, रेंट पेड बाय कंपनी, कितना पे करा है उसने कंपनी ने, 1200 रुपये महीना, 5 महीनों के लिए पे करेंगे, वही उसने ऑक्यूपाई किया 6000। सेकेंड, 15% ऑफ सैलरी जो अभी हमने ऑलरेडी कंप्यूट करा था 6075, इसमें से कम क्या है 6000, ठीक है। सो ये जो 6000 वाला पार्ट है ना स्टूडेंट, ये रहेगा टैक्सेबल पहले तो। इसमें से कंपनी ने रिकवर कर लिया है एम्प्लॉय से 5000 रुपये, 1000 रुपये महीना, तो सिर्फ 1000 रुपीज जो है एम्प्लॉय के लिए टैक्सेबल रहेंगे, बाकी कुछ नहीं। क्लियर है ये पार्ट भी, ठीक है, ये रहा 1000 रुपीज। इलस्ट्रेशन नंबर 17 देखते हैं हम, यूजिंग द डाटा गिवन इन इलस्ट्रेशन नंबर 14। अब वो क्या कह रहा है कि अभी तक अनफर्निश्ड पे घूम रहे थे, आ जाओ फर्नीचर भी दे देते हैं साथ में, ठीक है। सो कंप्यूट द वैल्यू ऑफ द पर्क इफ एबीसी लिमिटेड हैज प्रोवाइडेड अ टेलीविजन जिसकी रिटर्न डाउन वैल्यू 10000 है और कॉस्ट 25000 है, दो एयर कंडीशनर्स भी दे दिए, कंपनी ने रेंट पे किया है एसी के लिए 400 पर मंथ, टेलीविजन उसको 1 जनवरी 2023 को मिला, हाउएवर मिस्टर सी इज रिक्वायर्ड टू पे अ रेंट ऑफ 1000 पर मंथ टू द कंपनी फॉर द यूज ऑफ दिस फर्निश्ड अकोमोडेशन, ठीक है। अब आपको बताना है कि उसको कितना अमाउंट यहाँ पे टैक्स लगेगा। तो देखो स्टूडेंट्स, अब पहली बात तो हमने क्या पढ़ा था प्रीवियस क्वेश्चन में भी, मैंने आपको 15% ऑफ सैलरी क्यों लिया था, क्योंकि इन द केस ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन इट इज बेसिकली बेस्ड कि पॉपुलेशन क्या है, और यहाँ पर जो सिटी दी हुई है, दीज ऑल क्वेश्चंस आर बेस्ड ऑन द इलस्ट्रेशन नंबर 14 जिसमें कि सिटी दी हुई है मुंबई। अब मुझे एक बात बताओ, डू यू रियली थिंक कि मुंबई की जो पॉपुलेशन है वो 25 लाख से कम है? नहीं, डेफिनेटली नॉट ना। तो क्योंकि पॉपुलेशन मोर देन 25 लाख है, तो वहाँ के लिए हम लेंगे 15% हाईएस्ट वाला रेट, 15% ऑफ सैलरी, ठीक है। अब इस तरीके से यहाँ पर भी जो हमारा आंसर निकला था हमारे प्रीवियस पार्ट्स में भी वही सेम आ जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ तक तो आई होप किसी को कोई डाउट नहीं है कि 15% ऑफ सैलरी हमने कैसे लिया और क्यों लिया, ठीक है। अब देखो स्टूडेंट्स, नाउ द इम्पॉर्टेंट पॉइंट इज कि भाई 15% ऑफ सैलरी कर जो हमारा आंसर आ रहा था ना, वो था भाई 6075। कैसे लिया था हमने, जैसे कि हमने प्रीवियस क्वेश्चन में उसको सॉल्व करके देखा, ठीक है। सो इट इज 6075। अब बात आती है, ये तो भाई ठीक है, 6075 इज बेसिकली फॉर द पार्ट जो हमने रेंट जो उसका घर था, ठीक है, लेकिन उसमें जो फर्नीचर है उसके लिए क्या लेंगे? तो आओ अब उसके बारे में हम एक बार बात करते हैं। देखो स्टूडेंट्स, इन द केस ऑफ फर्नीचर आई टोल्ड यू कि हमें ये देखना पड़ता है कि वो एक तो गवर्नमेंट एम्प्लॉय का केस नहीं है ये, ठीक है, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय का केस है। सेकंड, नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में दो बातें आती है, एक तो अगर कंपनी ने उसके लिए कुछ हायर चार्ज पे किया है, मतलब कंपनी का खुद का नहीं है, उसने रेंट पे लिया और उसके लिए वो रेंट पे कर रहे हैं, ठीक है। सो इन दैट केस जो भी हायर चार्जेस पे किए हैं डैट विल बिकम अ पार्ट ऑफ द परक्यूजिट फॉर द एम्प्लॉय। सेकेंड स्टूडेंट्स, हमने यहाँ पर बात की थी कि देखिए, अगर कंपनी का खुद का है, मतलब कंपनी ने जैसे एक फर्नीचर के लिए WDV और कॉस्ट वगैरह दी हुई है,
यानी उसका खुद का फर्नीचर है, हायरिंग बेसिस पे नहीं है. सो इन दैट केस व्हाट इज गोइंग टू हैपन इज कि हम वहाँ पे मानेंगे 10% ऑफ कॉस्ट. ठीक है, 10% ऑफ कॉस्ट. अब इस क्वेश्चन में देखो, उसमें दो फर्नीचर दिए हुए हैं, दोनों के बारे में बात करते हैं. पहला फर्नीचर दिया हुआ है उसने कि उसने टेलीविजन प्रोवाइड करा, और टेलीविजन के केस में WDV भी है, कॉस्ट भी है. नाउ स्टूडेंट्स आर गोइंग टू कंफ्यूज कि अरे मैम WDV दी हुई है, WDV ले लेते हैं, PGBP नहीं चल रहा, ठीक है ना, सैलरी चल रहा है, कॉस्ट लेना है, और वो भी 10% ऑफ कॉस्ट. ठीक है, तो इसका मतलब 10% ऑफ 25,000 टीवी के लिए जो पर क्यूबिट की वैल्यू है, 10% ऑफ 25,000 विच बिकम्स 2,500. ओके, नेक्स्ट एयर कंडीशनर. अब एसी के केस में उन्होंने कहा रेंट पेड बाय द कंपनी. कंपनी ने रेंट पे किया दोस्तों, कंपनी ने रेंट पे करा है, इसका मतलब कंपनी के लिए हायर चार्जेस पे करे हैं. कितने करे हैं? वही उसके लिए बन जाएगा पर 400 पर मंथ. टेलीविजन प्रोवाइडेड ऑन 1 January 2023. ठीक है, अब बात आती है यहाँ पर, ये तो हमारे पास केस हो गया, लेकिन टेलीविजन ना उसको प्रोवाइड कब करा है. मैम टेलीविजन इज प्रोवाइडेड ऑन 1 January 2023. ओके, आइए अब देखते हैं स्टूडेंट्स. ठीक है, आ जाइए एक बार यहाँ पर. अब ये जो 25,000 का 10% था, यानी 2,500, इट इज़ फॉर द कंप्लीट ईयर. उसको सिर्फ जनवरी में प्रोवाइड किया, यानी जनवरी फरवरी मार्च, तो यहाँ पे हम निकाल लेंगे 3 months के लिए. ठीक है, 2,500 मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 12 कैसे करा वो भी बता देती हूँ आपको. अब एक बार 2,500 टोटल आया था, ये था 12 महीनों के लिए, तो 3 महीनों के लिए निकाल लो, विच बिकम्स 625. क्लियर? नेक्स्ट मैम एसी प्रोवाइड करा है, ये देखो एसी कितने मंथ्स के लिए प्रोवाइड करा है. ठीक है, 2 एयर कंडीशनर्स प्रोवाइड करे हैं स्टूडेंट. रेंट पेड बाय द कंपनी फॉर एयर कंडीशनर्स इज 400 rupees पर मंथ. कितना है? 400 rupees पर मंथ स्टूडेंट्स उसने वहाँ पर उसको दिया हुआ है. ठीक है, यानी पहली बात तो 400 rupees महीने लेना है, और ये एक एसी का है, ईच दिया हुआ है यहाँ पर देखो इस पार्ट में ईच. ठीक है, इसका मतलब दिस इज पर्टिकुलरली फॉर द 1 AC 400, तो यहाँ पर हम कर देंगे 400 मल्टीप्लाई बाय 2. नाउ द नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट कि कितने मंथ्स के लिए उसको एसी प्रोवाइड किया है, आइए देखते हैं. अब स्टूडेंट इस क्वेश्चन में ना कुछ दिया ही नहीं कि एसी कितने महीनों के लिए प्रोवाइड किया, तो अब हम ये देखेंगे कि घर कितने महीने के लिए प्रोवाइड किया था, उतने ही महीने एसी यूज़ किया. मैम इलस्ट्रेशन नंबर 14 में था ना, घर जो है उसको प्रोवाइड किया था उसने, मतलब ऑक्यूपाई किया था बेसिकली 1 November को, 5 महीनों के लिए एसी यूज हुआ. इसका मतलब यहाँ पर भी स्टूडेंट्स हम कर देंगे 400 मल्टीप्लाई बाय 2 मल्टीप्लाई बाय 5 months. 400 पर मंथ था ना, तो 5 months. क्लियर? तो ये हमारे पास आ गया स्टूडेंट्स, दैट इज अ केस 400 पर मंथ इंटू 2 इंटू 5. समझ आया कैसे? तो 4,000, सो इट बिकम्स द 4,625. अब क्या हो रहा है देखना, उसके पास रेंट फ्री अकोमोडेशन की वैल्यू आ गई 6,075, टैक्सेबल वैल्यू फॉर द फर्नीचर 4,625. टोटल हमारे पास आ गया ये स्टूडेंट, चलो इसको कैलकुलेटर ले लो, 6,075 प्लस 4,625 इट बिकम्स 10,700. उसने लेकिन पहले ही दिया हुआ है कि भाई उससे, इलस्ट्रेशन 14 पे दिया हुआ है कि उससे जो है रेंट रिकवर भी हो रहा है, कितना? 1,000 rupees पर मंथ, दैट इज 5,000 rupees. तो यहाँ आ गया 5,700, दैट इज द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ अ पर्स इज 5,700. क्लियर? इलस्ट्रेशन नंबर 18, यूजिंग द डाटा गिवन इन इलस्ट्रेशन 17 अबव. अब ये मान लो कि मिस्टर सी एक गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, भाई ये तो सबसे इजी वाला पार्ट है. क्या? अगर मिस्टर सी गवर्नमेंट एम्प्लॉय है तो ये देखो उसकी लाइसेंस फीस कितनी है. ठीक है, सो द लाइसेंस फी डिटरमाइंड बाय द गवर्नमेंट फॉर दिस अकोमोडेशन वाज 700 पर मंथ. नाउ एन इंपॉर्टेंट पॉइंट, यूजिंग द डाटा गिवन इन इलस्ट्रेशन 17 अबव, यानी एसी और टीवी भी वही इसको दे रखा है. तो अब स्टूडेंट्स इसमें हम करेंगे, उसने कहा अकोमोडेशन के लिए 700 पर मंथ लाइसेंस फी है, और गवर्नमेंट एम्प्लॉय के केस में वी जनरली टेंड टू सी द लाइसेंस फी. ये देखते हैं, तो देखो वैल्यू ऑफ रेंट फ्री अकोमोडेशन आ जाएगा, पूरा लिखोगे शॉर्टकट नहीं, ठीक है, मैं शॉर्टकट पे लिख रही हूँ, 700 पर मंथ, दैट इज फॉर द 5 months. ठीक है, सो इट 3,500 प्लस, अभी हमने वैल्यू निकाली फर्नीचर की, उसके कुछ दिया नहीं है, तो सिमिलरली वही किया हमने, तो वो आ गया 4,625, क्योंकि बोला है यूजिंग द डाटा इलस्ट्रेशन इन 17 अबव, इट बिकम्स 3,500 प्लस 4,625, इट इज 8,125.
8,125 रुपीज़। अब बात आती है कि 5,000 रुपये तो उससे भी रिकवर कर लिए, 1,000 पर मंथ, तो वो तो पर्क है ही नहीं ना, वो तो इनकम है ही नहीं, वो तो उसको दे दी वापस। तो ये बन गया 3,125 इज द आंसर। क्लियर, समझ आ रहा है? तो फटाफट से ना मुझे मैसेजेस करके बताते ज़रूर रहना कि आपको कितना समझ आ रहा है, जिससे मेरे लिए भी एक जो है ये मोटिवेशन बन सके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन अब हम करने वाले हैं, नेक्स्ट इलस्ट्रेशन, इलस्ट्रेशन नंबर 19। और स्टूडेंट्स, दिस इलस्ट्रेशन हैज बीन कमिंग टू एग्जामिनेशन अ वेरी रिपीटेड टाइम। ठीक है, तो अच्छे से इसको देखते हैं। इलस्ट्रेशन 19, मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई आर वर्किंग फॉर मेसर्स गामा लिमिटेड। दो पर्सन हैं, एक्स और वाई, गामा लिमिटेड के लिए काम कर रहे हैं। एज पर सैलरी फिक्सेशन नॉर्म, उनको कुछ फॉलोइंग पर्क्स ऑफर करें। पहला, मिस्टर एक्स को ऑफर करा है हु एंगेज्ड अ डोमेस्टिक सर्वेंट ऑफ ₹500 पर मंथ। हु एंगेज्ड यानी उसने खुद से एक डोमेस्टिक हेल्प रख ली अपने पास ₹500 महीने पे। एम्प्लॉयर ने कहा कि मैं उसकी एंटायर सैलरी तुमको वापस कर दूंगा। अब बात आती है, दिस इज द कैटेगरी स्टूडेंट्स, यहाँ पर हम बात करेंगे कि एक बात बताओ मुझे, ये डोमेस्टिक सर्वेंट कंपनी ने, एम्प्लॉयर ने रखकर दिया था या उसने खुद रखा? मैम खुद रखा था। ठीक है, अब अगर खुद रखा यानी खुद की लाइबिलिटी है टू पे दैट डोमेस्टिक हेल्प ना। ये मैंने कहा था कि जब एक एम्प्लॉय का जो ऑब्लिगेशन होता है, जो उसको पूरा करना था और एम्प्लॉयर उसको उसके लिए पैसे दे रहा है, ठीक है, तो इसका मतलब ये कंप्लीटली टैक्सेबल रहेगा इन द केस ऑफ ऑल एम्प्लॉयज। ठीक है, तो यहाँ पर स्टूडेंट दिस 500 पर मंथ विल बिकम टैक्सेबल फॉर ऑल एम्प्लॉयज। तो हाँ, इसके लिए टैक्सेबल है। क्लियर, 500 पर मंथ। अच्छा, कुछ दिया नहीं है उससे, कोई ईयर्स नहीं दिए, तो हमने नॉर्मली लिख दिया 500 पर मंथ विल बी टैक्सेबल, क्योंकि ये उसकी ऑब्लिगेशन थी जो कि एम्प्लॉयर पूरा कर रहा है। सेकेंड, मिस्टर वाई के लिए ही वाज प्रोवाइडेड विद अ डोमेस्टिक सर्वेंट एट 500 पर मंथ एज पार्ट ऑफ रेम्यूनरेशन पैकेज। एक ने सर्वेंट, मैंने मान लो कोई सर्वेंट रखा, ठीक है, डोमेस्टिक हेल्प रख ली, उसको मुझे पे करना था, एम्प्लॉयर पे कर रहा है, टैक्स लगेगा क्योंकि मेरे ऑब्लिगेशन को वो पे कर रहा है, तो एक तरीके से मुझे एक्स्ट्रा दे रहा है। एक केस में स्टूडेंट्स, मान लो मैं एज एन एम्प्लॉय मैंने ज्वाइन किया, तो मिस्टर वाई, ठीक है, मान लो अब मुझे ये बोला गया था कि आपको हम डोमेस्टिक सर्वेंट देंगे, रेम्यूनरेशन पैकेज है ये उसका, ठीक है, तो ये हुआ परक्यूजिट। अब स्टूडेंट्स देखो, यहाँ ना मेरे ऑब्लिगेशन ही नहीं था कि मैं उसको पे करूँ। क्लियर, तो यहाँ तो ऑब्लिगेशन ही कंपनी का बनता था, इट्स अ परक्यूजिट नॉट एन अलाउंस। ओके, तो स्टूडेंट्स इन दिस केस, यहाँ पर दिस इज टैक्सेबल। ये किसके केस में टैक्सेबल होता था? अगर स्पेसिफाइड एम्प्लॉय वाली कैटेगरी आती थी, लेकिन मिस्टर वाई को उन्होंने स्पेसिफाइड नहीं बोला हुआ, तो दिस इज अ नॉट अ टैक्सेबल परक्यूजिट। क्लियर, ये टैक्स नहीं लगेगा। चलो, इलस्ट्रेशन नंबर 19 समझ आ गई। आई एम अगेन रिपीटिंग, प्लीज डाउट है तो पूछते रहो स्टूडेंट्स, तभी फायदा होगा कि हमारे पास 1 मंथ है अप्रॉक्सीमेटली एग्जाम्स के लिए, और हम अच्छे से प्रैक्टिकल क्वेश्चंस को कवर कर पाएंगे। ठीक है, इलस्ट्रेशन 20 पर आ जाओ। मिस्टर एक्स रिटायर्ड फ्रॉम द सर्विसेज ऑफ मेसर्स वाई लिमिटेड ऑन 31 जनवरी 2023 आफ्टर कंप्लीटिंग सर्विस ऑफ 30 years and 1 month। उसने कितना काम किया है? 30 years and 1 month। ठीक है, कंपनी ज्वाइन करी 1 जनवरी 1993 को एट द एज ऑफ 30 इयर्स, तब उसकी एज थी। अब रिटायर हो रहा है, रिटायरमेंट के टाइम पर कुछ मिल रहा है। चलो, ग्रेचुटी मिल रही है 6 लाख रुपीस की। ही वॉज कवर्ड अंडर द पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट। इन दिस केस फटाफट से एक रीडिंग करो, ठीक है, कि भाई सैलरी वगैरह कितनी है। और अब हमें पता है कि एक एक पार्ट यहाँ पर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा। ठीक है, आइए करते हैं नेक्स्ट। उसको क्या मिला है? लीव एंकैशमेंट मिला 3,30,000 का, 330 डेज के लिए, फॉर 330 डेज लीव बैलेंस इन इज अकाउंट। ठीक है, ही वॉज क्रेडिटेड 30 डेज लीव फॉर ईच ईयर, ईच कम्प्लीटेड ईयर ऑफ सर्विस। ओके स्टूडेंट, उसको 30 डेज की लीव मिल रही थी हर साल के लिए, उसके पास लीव बैलेंस 330 डेज। ओके, एज पर द स्कीम ऑफ द कंपनी, उसको एक गाड़ी दी गई जो कि विच वॉज परचेस्ड ऑन 31 जनवरी 2020 बाय द कंपनी। कंपनी ने गाड़ी खरीद के उसको दे दी, 5 लाख रुपये की गाड़ी खरीदी थी। कंपनी ने उससे 2 लाख रुपए रिकवर कर लिए। कंपनी अपने व्हीकल्स पे डेप्रिसिएशन रेट लगाती है 15% SLN, यानी कार परक्यूजिट निकालना है बहुत इजी है ना। एन अमाउंट ऑफ ₹3 लाख एज कॉम्बिनेशन ऑफ पेंशन, पेंशन कॉम्यूट करके उसको कुछ दिया है, अमाउंट देख लेंगे, करा था हमने। कंपनी प्रेजेंटेड हिम अ गिफ्ट वाउचर वर्थ ₹6,000। ओके, उसके कोलीग्स ने भी उसको एक टीवी यानी LCD दिया 50,000 का अपने कॉन्ट्रीब्यूशन से। कुछ अदर पार्टिकुलर्स दिए हैं, उसकी बेसिक सैलरी है 20,000, 50% डियरनेस अलाउंस,
पर मंथ मिल रहा है 1 अप्रैल 2022 से 31 जनवरी 2023 तक, ठीक है, उसको ये मिला है। उसको पेंशन मिल रही है 5000 पर मंथ की फॉर द पीरियड 1 फरवरी 2023 से, यानी जब रिटायर हुआ 31 जनवरी तो 1 फरवरी से पेंशन मिलनी स्टार्ट हुई 31 मार्च 2023 तक आफ्टर कॉम्यूटेशन ऑफ पेंशन आपको निकालनी है जी उसकी जीटीआई। करेंगे कैलकुलेशन, आइए सबसे पहले तो लिख देंगे कि उसको बेसिक सैलरी कितनी मिली है। आप स्टूडेंट्स करते हैं साथ साथ, ठीक है। अब देखो ऊपर लिख लोगे कंप्यूटेशन ऑफ जीटी ग्रॉस सैलरी एंड ऑल, ठीक है। देख लो क्वेश्चन में जीटीआई दिया है, ग्रॉस सैलरी, मैम जीटीआई तो हम उसको ग्रॉस टोटल इनकम करके ही डिनोट करेंगे, ये रहा। ओके लिख लेना कंप्यूटेशन ऑफ ग्रॉस टोटल इनकम, वो सब लिख लो आप। अब बात आती है फर्स्ट पॉइंट, बेसिक सैलरी। कितनी बेसिक सैलरी उसको मिल रही है, 10,000 पर मंथ की बात हुई थी, ठीक है। सो 10,000 रुपीज पर मंथ ही इज गेट, सॉरी 20,000 रुपीज पर मंथ, 20,000 पर मंथ। अब कितने महीनों के लिए सैलरी मिली होगी, रिटायरमेंट के बाद सैलरी मिलती है क्या, बताओ बताओ। कभी सुना है रिटायर हो गया लेकिन बंदे का सैलरी मिल रही है, नहीं ना। 31 जनवरी को रिटायर हुआ यानी फेब और मार्च की नहीं मिली, तो यानी उसको 10 मंथ्स की सैलरी मिल गई उस असेसमेंट ईयर के लिए, 2 लाख रुपीज हो गए। डीएनएस अलाउंस मिल रहा है, कितना डीएनएस अलाउंस है देख लेते हैं। उसको डीएनएस अलाउंस मिला है 50% डीएनएस अलाउंस, 50% डीएनएस अलाउंस का मतलब हो गया 50% ऑफ बेसिक सैलरी, 50% ऑफ 20,000, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय अगेन फॉर द 10 मंथ्स ही हैज गॉट इट, तो 10,000 × 10 1 लाख रुपीज। क्लियर है यहाँ तक? अगेन आई एम सेइंग प्लीज हैंडराइटिंग पे मत जाना, डिजिटल बोर्ड पे हैंडराइटिंग थोड़ी सी अच्छी नहीं आ रही है, मेरी ऐसी हैंडराइटिंग नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट, अब बात आती है उसको और क्या क्या मिला मैम, उसको ना सबसे पहले वाले पॉइंट से स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। क्या ग्रेच्युटी मिली है 6 लाख की, आओ फर्स्ट पॉइंट से स्टार्ट करते हैं ग्रेच्युटी से। अब करने का तरीका देखना, 6 लाख की मिली है इधर लिख लो, लेस उसको एग्जम्पशन मिलेगी अंडर सेक्शन 10, ठीक है। चलो एग्जम्पशन के लिए अब हम यहाँ लिख देंगे अंडर सेक्शन 10, फटाफट से मुझे जरा इसका क्लॉज नंबर बताना, जल्दी से कमेंट करो, नोट नंबर 1, ठीक है, कि नोट 1 में हम इसकी कंप्यूटेशन करके दिखा रहे हैं, यहाँ पे घिचपिच नहीं करनी, ओके। चलो फिर निकालते हैं इसका हम ग्रेच्युटी पार्ट। अब स्टूडेंट्स ग्रेच्युटी पे मैंने आपको समझाया था, पहले तो ये देखेंगे क्या वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर है। हाँ मैम पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में वो कवर है, कवर है ये। जब वो पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर होता है तो हमें 4 पॉइंट्स देखने होते हैं, कितने 4 पॉइंट्स देखने होते हैं। सेक्शन 10 लिखा नहीं अभी तक, फटाफट लिखो सेक्शन 10 क्लॉज नंबर 10, सबसे पहले से स्टार्ट कर रहे हैं क्लॉज नंबर 10 ग्रेच्युटी। अच्छा कौन से 4 पॉइंट्स थे स्टूडेंट जो हम यहाँ पे कवर करते थे मैम? एक तो ग्रेच्युटी के लिए यानी नोट नंबर 1 के लिए क्या था स्टूडेंट्स, एक्चुअल अमाउंट रिसीव्ड विच इज 6 लाख रुपीज। सेकेंड में हम करते थे स्टैचुटरी लिमिट जो हर किसी के लिए आ रही है। अब स्टैचुटरी लिमिट मैंने आपको कितनी बताई थी इसमें, 20 लाख रुपए। उसके बाद बात आती है क्योंकि ये पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में कवर है तो ये 15/30 नहीं 15/26 इजी काम करवाएगा ये सारी बातें, ठीक है ना। और उसने कहा ज़्यादा घुमाऊंगा भी नहीं क्योंकि आप कवर हो ना पेमेंट ऑफ ग्रेच्युटी एक्ट में, ठीक है, तो फायदा कराएंगे। तो 15/26 × लास्ट ड्रॉन सैलरी, जितनी भी उसने लास्ट सैलरी ली है, मल्टीप्लाई बाय नंबर ऑफ ईयर्स। अच्छा अब नंबर ऑफ ईयर्स कौन से लेने हैं, सिर्फ कंप्लीट वाले नहीं, फायदा ही फायदा, अगर इन पार्ट ऑफ एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स है तो वो भी लेंगे, ठीक है। सो नंबर ऑफ ईयर्स और इन पार्ट ऑफ एक्सेस ऑफ 6 मंथ्स देख लेते हैं इसके पास कितना है। उसने स्टूडेंट्स यहाँ पर दिया हुआ है कि उसने कंप्लीट करे थे 30 ईयर्स 1 मंथ। अब 6 महीने से ज़्यादा नहीं है तो हम सिर्फ 30 ही लेंगे, क्लियर। ज़्यादा होता जैसे 7 मंथ्स होता तो हम उसको 31 कर देते, समझ आई बात, चलो ठीक है। लेकिन पूरा लिखकर यहाँ पर हमें इसको बताना है। अब बात आई लास्ट ड्रॉन सैलरी कितनी थी, तो बेसिक सैलरी प्लस जितना उसको डीए मिला है, अब ये आ गया हमारे पास 15/26 × 20,000 एक मिला था स्टूडेंट और 10,000 का उसका डीए था, ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 30। निकालो फटाफट से इसको, ठीक है, आइए देखते हैं स्टूडेंट्स यहाँ पर कितना आया। अच्छा एक बात और मैम,
क्योंकि वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर है, इसलिए डीए लिया है, ये स्टूडेंट, इसलिए हमने उसका कंप्लीट डीए लिया है क्योंकि वो पेमेंट ऑफ ग्रेचुटी एक्ट में कवर है। ठीक है, सो ये आ गया हमारे पास 30,000 मल्टीप्लाई बाय 15 डिवाइड बाय 26 मल्टीप्लाई बाय 30, इट बिकम 5,19,230। इतना ही आ रहा है ये? हाँ ठीक है, उन्होंने राउंड ऑफ करके इसको 231 कर दिया है। ठीक है, चलिए ओके। अच्छा, अब यहाँ पर बात थी कि इन तीनों में से जो भी सबसे कम है वो एग्जाम्प्ट होगा। तो क्या है सबसे कम? 5,19,231। ठीक है, तो यहाँ पर 5,19,231 जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा। लिखो फिर टैक्सेबल कितना है, 6 लाख माइनस 5,19,231 इज इक्वल्स टू 80,769 रुपीज। क्लियर? चलो ग्रेट। उसके बाद स्टूडेंट्स हमारे पास बात आती है, ग्रेचुटी कवर हो गया, यस, एक एक पॉइंट करके स्टार्ट कर देंगे यहाँ पर हम। नेक्स्ट उसने दिया था ग्रेचुटी के बाद लीव एनकैशमेंट, लीव एनकैशमेंट। ठीक है, सो अब आइए जरा लीव एनकैशमेंट देख लेते हैं। लीव एनकैशमेंट उसको 3,30,000 रुपये की मिली है। तो आप देखो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट पॉइंट हमारे पास आता है कि लीव सैलरी एनकैशमेंट। अब मैंने कहा कि उसको जो लीव सैलरी मिली है ना, वो मिली है 3,30,000 रुपीज। कितनी मिली है? 3,30,000 रुपीज। अब इसमें से क्या हमारे पास एग्जाम्प्ट होगा वो देखते हैं। सो लेस कर देंगे हम, लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग शैल बी एग्जाम्प्टेड। फर्स्ट हमारे पास आता था एक्चुअल अमाउंट रिसीट, कितना है? 3,30,000 रुपये। सेकेंड हमारे पास आती है इसकी नोटिफाइड लिमिट, कितनी है लीव सैलरी एनकैशमेंट में? 3 लाख रुपये। थर्ड मैंने आपको पढ़ाया था 10 मंथ सैलरी बेस्ड ऑन द एवरेज ऑफ 10 मंथ, ठीक है ना। तो अब स्टूडेंट्स वो कितनी है? मैम यहाँ पर ना ऐसे करके तो कुछ दिया हुआ नहीं है, ठीक है, सैलरी देख लेते हैं एक बार कितनी है। उसी को हम 10 मंथ्स मानते हैं कि भाई वही चली जा रही है, तो दैट इज 20,000 रुपीज। इसमें हम ऐड करते थे डीएनएस अलाउंस इफ फॉर्म पार्ट ऑफ रिटायरमेंट। नाउ अब हम क्या करेंगे स्टूडेंट्स, यहाँ पर लिख देंगे दैट वी आर अज्यूमिंग कि ये जो पार्ट है ना भाई, ये जो सैलरी है, ये जो डीएनएस अलाउंस है, दैट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट्स। नीचे एक नोट दे देंगे, ठीक है। तो वो अज्यूम किया तो 10 मंथ की सैलरी बेस्ड ऑन 20,000 रुपीज बेसिक सैलरी, ये आ गई हमारे पास 2 लाख, ठीक है। कमीशन वगैरह इसमें कुछ दी भी नहीं है। फोर्थ हम देखते थे स्टूडेंट्स कि उसके पास वहां पर कितनी लीव ड्यू है, यानी वो कितनी ले सकता था लीव और उसने कितनी लीव जो है वो नहीं ली, ठीक है। चलिए अब देखते हैं। अब स्टूडेंट्स यहाँ पर हमारे पास दिया हुआ है कि भाई उसके पास जो कैश इक्विवेलेंट है लीव टू हिज क्रेडिट दैट इज अ लीव ड्यू। कितनी लीव ड्यू है आइए देखते हैं एक बार। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स दिया हुआ है कि लीव एनकैशमेंट उसको मिला है 330 डेज की लीव बैलेंस, यानी उसके पास 330 डेज का लीव ड्यू है। अब 330 डेज इसको एक बार मंथ में डिवाइड कर लेते हैं, तो डिवाइड बाय 30, जिससे कि वो मंथ्स में आ जाएगा, मल्टीप्लाई बाय अगेन सैलरी। अब सैलरी यहाँ पर हम लेंगे अगेन 20,000, क्यों? क्योंकि हमने अज्यूम कर लिया है कि भाई वो जो डीए है दैट डज नॉट फॉर्म पार्ट ऑफ द रिटायरमेंट बेनिफिट्स। निकालते हैं इसको, आइए। तो दैट इज 330 डिवाइड बाय 30 मल्टीप्लाई बाय 20,000, ये आ गया 2,20,000 रुपीज, 2,20,000। सो वट इज लीस्ट ऑफ द फॉलोइंग? दैट इज 2 लाख रुपीज। तो स्टूडेंट 3,30,000 में से 2 लाख रुपीज माइनस हो जाएंगे और 1,30,000 की जो लीव एनकैशमेंट है ना, दैट शेल बी टैक्सेबल। क्लियर? सो ग्रेचुटी हो गया हमारे पास, बेसिक सैलरी डीएनएस अलाउंस कवर हो गया, अब आ गया लीव एनकैशमेंट भी। नेक्स्ट हमने बात करी, एज पर द स्कीम ऑफ द कंपनी ही वॉज ऑफर्ड अ कार, उसको एक गाड़ी दे दी भाई, क्योंकि कंपनी ने परचेज करी थी 30 जनवरी 2020 को 5 लाख रुपए के लिए। कंपनी ने 2 लाख रुपए उससे रिकवर भी कर लिए हैं और डेप्रिशिएट करते हैं 15% SLM के बेसिस पर। अब एक बार बताओ, कार के केस में व्हाट वी हैव कवर्ड? मैम गाड़ी के केस में पहले तो हम उसकी ना WDV देख लेंगे, ठीक है। WDV जो वो दे रहा है, नहीं, 20% माइनस करते हैं हम, 20% का डेप्रिसिएशन हम लेते हैं। ध्यान आ गया ना स्टूडेंट? तो देखो, क्योंकि ये मोटर कार है तो एक्चुअल कॉस्ट में से 20% माइनस करते हैं। अब उसने परचेज करी थी 30 जनवरी 2020 को, आइए कितने की गाड़ी परचेज करी थी उसने 30 जनवरी 2020 को? उसने परचेज करी 5 लाख रुपए की, कब? 30 जनवरी 2020। इस पे हम डेप्रिसिएशन लगा देंगे। कितना डेप्रिसिएशन लगेगा? 20% के हिसाब से। क्यों? क्योंकि 20% जो रेट है दैट इज एज पर द इनकम टैक्स रेट। अब स्टूडेंट 5 लाख का 20% कर दो, कितना आ गया? 1 लाख रुपीज, ठीक है। सो ये वैल्यू आ गई 4 लाख रुपीज, ओके।
नेक्स्ट हमारे पास बात आती है कि फिर अगेन इस 4 लाख के ऊपर डेप्रिसिएशन लगा दिया, क्लियर? डेप्रिसिएशन लग गया 20%, तो ये आ गया 80,000, तो ये वैल्यू आ गई 3,20,000। यहाँ तक क्लियर है? अब ये वैल्यू कब आई, तो देखिए 29 जनवरी 2021, एक साल का हमने यहाँ पे डेप्रिसिएशन उसको दे दिया था, तो 29 जनवरी 2021 को वैल्यू आ गई थी 29 जनवरी 2021, दैट इज एक दिन पहले का लेके दिया, ठीक है। 30 जनवरी को वैल्यू थी 2020 को 5 लाख रुपए, एक साल का पूरा होगा 29 जनवरी 2021 को, ठीक है, तो ये आ गई 4 लाख की वैल्यू। फिर अगेन 29 जनवरी 2022 को वैल्यू हो गई 3,20,000, अगेन उसको डेप्रिसिएशन दे दिया, ठीक है। फिर अब एक साल का और निकाल लेते हैं, यहाँ पर 3,20,000 पर 20% का डेप्रिसिएशन माइनस कर दो, करा माइनस, सो लेस डेप्रिसिएशन एट द रेट ऑफ 20%, सो इट बिकम 64,000 रुपीज। तो यहाँ पर वैल्यू आ गई स्टूडेंट्स हमारे पास 3,20,000 माइनस 64,000, दैट इज 2,56,000। यानी उसको जो गाड़ी एक तरीके से मिली है ना, वो 2,56,000 रुपए की दी है उसकी पर्क वैल्यू, लेकिन उसने कहा कंपनी ने 2,56,000 में से 2,00,000 रुपीज रिकवर कर लिए। रिकवर कर लिए तो क्या बेनिफिट, माइनस कर दो, ठीक है। सो ये आ गया 56,000 रुपीज, ओके। सो 56,000 इज द टैक्सेबल वैल्यू ऑफ द कार। आइए देखते हैं स्टूडेंट, तो वैल्यू ऑफ पर्क जो कि यहाँ पर उसको मिला है कार के लिए, डेट इज 56,000 रुपीज। क्लियर है सबको, ठीक है यहाँ पर? अच्छा मैम, गाड़ी यूज करने के लिए अगर दी भी है तो क्या ये मान लेंगे क्या स्टूडेंट, ही वॉज ऑफर्ड अ कार, ही वॉज ऑफर्ड अ कार, इट मीन दैट इज अ केस ऑफ द ट्रांसफर ऑफ कार, क्लियर? इसलिए हमने ऐसे यहाँ पे करके दिखा है। नेक्स्ट आता है पेंशन का की, एन अमाउंट ऑफ ₹3,00,000 इज कॉम्यूटेशन ऑफ पेंशन फॉर 2/3 ऑफ हिज पेंशन कॉम्यूटेशन। उसने अपनी पेंशन कॉम्यूट करी, 2/3 पेंशन कॉम्यूट कर अमाउंट रिसीव हो रहा है 3,00,000 रुपए का, ठीक है। तो सबसे पहले तो अब हमें ये पता करना है कि अगर ये कॉम्यूटेड पेंशन है तो टोटल पेंशन कितनी है, आइए देखते हैं स्टूडेंट्स। देखो अच्छा, गवर्नमेंट एम्प्लॉय या नॉन गवर्नमेंट, क्योंकि सेक्शन 10 क्लॉज 10 ने बोला था ना, गवर्नमेंट के केस में अलग, नॉन गवर्नमेंट के केस में अलग, क्लियर? सो क्योंकि एक नॉन गवर्नमेंट एम्प्लॉय है, सो सेक्शन 10 क्लॉज 10 ने क्या बोला था, कितना एग्जम्प्ट होगा कॉम्यूटेड वाले पार्ट में से, मैम सिर्फ और सिर्फ 1/3, ठीक है। आइए देखते हैं स्टूडेंट्स, अब अमाउंट रिसीव हुआ 3,00,000 रुपए। सबसे पहले तो मैं ये निकाल लेती हूँ कि अगर 3,00,000 रुपए उसका कॉम्यूटेड है तो टोटल पेंशन कितनी थी। अगर 3,00,000 रुपीज कॉम्यूट करे हैं, और वैसे कॉम्यूट पार्ट कितना है, 2/3 इतना ही है, तो इसका मतलब टोटल पेंशन कितनी है स्टूडेंट्स उसकी, 3,00,000 मल्टीप्लाई बाय 3/2, क्लियर? सो इट मीन्स द टोटल पेंशन इज 4,50,000 रुपीज, इतना ही आ गया ना, क्लियर? चलो ठीक है। अब उसने कहा कि 4,50,000 रुपए उसकी टोटल पेंशन है। अब बात आती है कि इस 3,00,000 रुपए में से एग्जम्पशन कितनी मिलेगी। सो एग्जम्पशन मिलेगी एज पर सेक्शन, अंडर सेक्शन 10 क्लॉज 10A, कितनी एग्जम्पशन थी इसका, 1/3, ठीक है। सो 1/3 ऑफ 4,50,000 रुपीज, दैट इज 1,50,000 रुपीज। तो 3,00,000 रुपए में से 1,50,000 रुपए की एग्जम्पशन मिल जाएगी, और 1,50,000 रुपए जो बैलेंस है वो उसके लिए रहेगा टैक्सेबल। समझ आया क्या करते थे, पेंशन टोटल पेंशन का 1/3 जो है वो उसके लिए क्या रहता था, वो उसके लिए टैक्सेबल रहता था, ठीक है। मतलब उसके लिए एग्जाम्प्ट हो जाता था, बाकी टैक्सेबल हो गया। तो 4,50,000 में से या 3,00,000 में से उसका 150 जो है माइनस हो गया, तो 150 उसके लिए टैक्सेबल रहा। आई होप क्लियर हो गया, ठीक है। आइए स्टूडेंट्स नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं यहाँ पर। अब ये था हमारे पास कॉम्यूटेड पेंशन का केस। नेक्स्ट उसने कहा कंपनी ने जो है, एक बार स्टार्टिंग से आ जाओ स्टूडेंट्स, ठीक है। यहाँ पर हमारे पास देखो, अब ग्रेच्युटी का पॉइंट कवर हो गया, लीव एंकैशमेंट कवर हो चुका है। नेक्स्ट हमारे पास कंपनी ने कार दी है वो कवर हो गया। फिर स्टूडेंट्स बात आई कि उसको 3,00,000 रुपए की कॉम्यूटेशन पेंशन मिली है, वो भी कवर हो गया। नाउ द नेक्स्ट थिंग इज मैम, अनकॉम्यूटेड पार्ट कितना है वो भी निकाल लेते हैं डेफिनेटली। आइए तो देखो स्टूडेंट्स, हमारे पास फॉलोइंग आर द अदर पर्टिकुलर्स में दिया हुआ है कि रिसीव्ड पेंशन ऑफ ₹5,000 पर मंथ फॉर द पीरियड 1 फरवरी 2023 to 31 मार्च, यानी ये अनकॉम्यूटेड है जो कि टोटली टैक्सेबल रहता है। तो 5,000 रुपए पर महीना मिला 2 महीनों के लिए, फरवरी एंड मार्च, सो इट बिकम्स द 10,000,
तो 10,000 रुपीज़ यहाँ से टैक्सेबल हो गए। क्लियर, ये भी डन है, ये भी हमारा डन हो चुका है। हाँ, ऐसे साथ साथ में देखते रहोगे ना तो ये होगा कि कुछ गलती नहीं होगी। फिर कंपनी ने उसको एक गिफ्ट वाउचर दिया 6,000 रुपये का। कंपनी ने ना भाई गिफ्ट वाउचर दिया है 6,000 रुपये का। अब एक बात बताओ, अगर कंपनी उसको, मैंने क्या बताया था स्टूडेंट्स आपको, कंपनी ने अगर उसको 5,000 रुपये से ज़्यादा का कुछ उसको गिफ्ट वाउचर दिया है, एम्प्लॉय ने रिसीव करा है, तो वो क्या होगा, 5,000 तक का था तो एग्जाम्प्ट हो जाता, उससे ऊपर का टैक्सेबल। अब इसमें दो व्यू पॉसिबल होते हैं, एक तो आप सिर्फ 5,000 के अबव वाले को टैक्स लगा रहे हो, लेकिन हमारे पास मैथ स्टडी मटेरियल में ऑल्टरनेट ऑप्शन में उन्होंने ज्यादा वाले को भी कर दिया, लेकिन मैक्सिमम केसेस में कंप्लीट को करा है तो हम कंप्लीट करेंगे, यानी एंटायर 6,000 रुपीज विल बी टैक्सेबल। ठीक है, तो 6,000 रुपये हो जाएंगे उसके लिए टैक्सेबल। ओके, अच्छा मैम जो ऑल्टरनेट व्यू दिए हुए हैं वो एग्जाम में देना है? नहीं, आपको सिर्फ आपका व्यू देना है, ऑल्टरनेट नहीं। ठीक है, उसके कलीग्स ने उसको टेलीविजन एलसीडी गिफ्ट किया 50,000 का अपने कॉन्ट्रीब्यूशन से। ठीक है, अब एक बात बताओ, उसको जो 50,000 रुपये का जो गिफ्ट दिया है ना स्टूडेंट, वो किसने दिया है? मैम वो एक्चुअली उसके कलीग्स ने दिया, उसके एम्प्लॉयर ने नहीं, तो उसकी सैलरी नहीं है। उसको अगर मैं देखूंगी स्टूडेंट, तो दैट इज अ पार्ट ऑफ द इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज, और इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज में भी हमने एक बात बोली हुई है क्या, कि सेक्शन 56 सबसेक्शन 2 क्लॉज नंबर 10 कहता है कि अगर आपको 50,000 तक का गिफ्ट किसी से रिसीव हो रहा है तो वो रहता है हमारे लिए, अगर मतलब पूरे साल में मिलाकर 50,000 रुपये का गिफ्ट रिसीव है तो डैट इज एग्जाम्प्टेड। ठीक है, चलो एक तो ये समझ आ गया। अच्छा हाँ, अभी एक बात और, मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग हेयर इज, मैंने वहाँ पे ना एक्चुअली उसका असेट का नाम नहीं देखा। ठीक है, तो मैं दोबारा बता रही हूँ, कुछ और होता तो ये पॉइंट आ जाता, लेकिन यहाँ पर उसको टीवी क्या गिफ्ट किया है, टेलीविजन गिफ्ट किया है। एक बात बताओ, क्या टेलीविजन प्रॉपर्टी थी? नहीं, तो हमने कहा था ये सिर्फ और सिर्फ प्रॉपर्टीज के केस पे लगता है, तो क्योंकि एलसीडी को स्टूडेंट दैट इज अ पर्सनल एसेट उसको वहां मानते ही नहीं है, तो यहाँ पर सेक्शन 56 सब सेक्शन 2 क्लॉज नंबर 10 एप्लीकेबल ही नहीं हो रहा। क्लियर, इसके साथ ये क्वेश्चन कवर होता है हमारा, आई होप अच्छे से समझ आ गया। तो इसके बेसिस पे ग्रॉस सैलरी बन गई 7,32,769, स्टैंडर्ड डिडक्शन जो हर किसी को मिलती है अंडर सेक्शन 16 50,000 रुपये की, तो टैक्सेबल सैलरी या ग्रॉस टोटल इनकम, क्योंकि और कोई इनकम यहाँ दी भी नहीं है, दैट इज 6,82,769 रुपीज़। क्लियर, और हाँ ये जो उसको टीवी गिफ्ट किया है, तो लास्ट में हम इसके लिए एक नोट जरूर देंगे कि भाई देखो टेलीविजन जो है वो डेफिनेशन ऑफ प्रॉपर्टी में नहीं आता, तो इसको हम यहाँ पर नहीं कंसिडर करेंगे। ठीक है, नेक्स्ट आता है स्टूडेंट्स इलस्ट्रेशन नंबर 21। अच्छा है, इंपॉर्टेंट बात, इलस्ट्रेशन नंबर 21 देखते हैं। ये रिपीटेड क्वेश्चन है, प्लस ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर द एग्जामिनेशन पर्पस। क्लियर, सो देखें आप इसको, आइए। श्री बाला एम्प्लॉयड इन एबीसी कंपनी लिमिटेड एज फाइनेंस मैनेजर गिव्स यू द लिस्ट ऑफ परचेजेस जो उसको कंपनी ने दिए हैं एंटायर फाइनेंशियल ईयर के लिए। पहला तो उसको डोमेस्टिक सर्वेंट प्रोवाइड करा है और सर्वेंट की सैलरी है 1,500 रुपये पर मंथ। सर्वेंट एंगेज करा है उसने खुद ने और सैलरी दी है कंपनी ने। ठीक है मैम, आपने तो बताया था, अगर वो इस केस में स्टूडेंट देखो बेसिकली जो उसका जो सर्वेंट है ना फर्स्ट पार्ट में, वो उसने खुद ने एम्प्लॉय किया है, उसकी ऑब्लिगेशन उसकी खुद की है, तो स्टूडेंट ऐसे केसेस में उसकी ऑब्लिगेशन कंपनी पूरी कर रही है, तो वो उसके लिए बनता है टैक्सेबल वैल्यू ऑफ परचेज। ठीक है, तो 1,500 रुपये पर मंथ है, 1,500 रुपये मल्टीप्लाई बाय 12 कितना हो गया, आइए निकालते हैं, 1,500 मल्टीप्लाई बाय 12 दैट इज 18,000 रुपीज शैल बी द टैक्सेबल परचेज। ओके, नेक्स्ट अगर मान लो कंपनी ने खुद से एम्प्लॉय किया होता डोमेस्टिक सर्वेंट, तो क्या होता, कंपनी ने अगर एम्प्लॉय किया होता स्टूडेंट, ठीक है, तो फिर वो सिर्फ और सिर्फ उनके केसेस में टैक्सेबल रहता अगर वो स्पेसिफाइड एम्प्लॉय होता। ठीक है, अब यहाँ पर इसीलिए हमने दे दिया, देखो इफ द कंपनी हैड एम्प्लॉयड द डोमेस्टिक सर्वेंट और फैसिलिटी दे दी है सर्वेंट की, तो पर्क सिर्फ स्पेसिफाइड एम्प्लॉयज के केस में टैक्सेबल होगा, सबके लिए नहीं। तो यहाँ वैल्यू आ गई टैक्सेबल पर्क की 18,000 रुपीज। क्लियर है, अब आप सोच रहे हो मैम आप बार बार ना स्पेसिफाइड एम्प्लॉय कह रहे हो, एक बार ये भी बता दो। डेफिनेटली, अब देखो स्टूडेंट्स स्पेसिफाइड एम्प्लॉय के केस में मैंने आपको बताया था कि स्पेसिफाइड एम्प्लॉय वो पर्सन होता है एक तरीके से जो खास वाला बंदा है, यानी जो कोई की मैनेजरियल जो पोजिशन है वो होल्ड कर रहा है, जैसे कि मान लो स्टूडेंट्स वो कंपनी का डायरेक्टर है, ठीक है ना, या फिर मैं बोलूंगी या तो वो डायरेक्टर है या वो KMP है, दैट इज अ की मैनेजरियल पर्सन है, इंपॉर्टेंट, उसमें इंपॉर्टेंट तो हर एम्प्लॉय है, बट वो उसकी जो पोजीशन है वो काफी हाई पोजीशन है। ठीक है, या फिर स्टूडेंट वो जो सैलरी अर्न कर रहा है वो 60,000 या उससे ज्यादा है, एक्सक्लूडिंग
एवरी पर मंथ, ठीक है। तो अब यहाँ पर ये फाइनेंस मैनेजर है, की मैनेजरियल पर्सन, तो हाँ भाई ये स्पेसिफाइड एम्प्लॉय हुआ, तो इसके केस में 18 जो उसके 18,000 रुपीज़ हैं वो टैक्सेबल हो जाएंगे अगर कंपनी खुद से है डोमेस्टिक सर्वेंट प्रोवाइड करती है, ठीक है। फिर आता है फ्री एजुकेशन वाज प्रोवाइडेड टू हिज टू चिल्ड्रन आरती एंड अशोक इन अ स्कूल मेंटेन एंड ओन बाय द कंपनी। पहला तो उसको डायरेक्टली एजुकेशन प्रोवाइड की गई है, चिल्ड्रन एजुकेशन अलाउंस नहीं है, एजुकेशन प्रोवाइड करी है, फ्री एजुकेशन दी है किसको, टू चिल्ड्रन को, और जो स्कूल है वो कंपनी का खुद का है, ओन्ड बाय कंपनी है। कॉस्ट निकली कंप्यूट करके 900 पर मंथ और एक अशोक के लिए निकली 1200 रुपये पर महीना। कुछ अमाउंट रिकवर नहीं करा बाला से। अब मुझे बताओ हमने क्या पढ़ा था स्टूडेंट, कि ऐसे केसेस में जहां पर एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन खुद एम्प्लॉयर का है, किसका है, एम्प्लॉयर का खुद का एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन है, उसको फ्री एजुकेशन दी है, तो भाई आप रीजनेबल कॉस्ट देख लो। कैसे देखें, आसपास की लोकैलिटी में देख लो ना कितनी कॉस्ट चल रही है, ठीक है। लेकिन साथ की साथ मैंने आपको बोला था स्टूडेंट्स, पहली बात तो उसका खुद का है, ओन्ड बाय कंपनी है, प्लस फ्री एजुकेशन दी है, तो रीजनेबल कॉस्ट निकाल लो, यानी आसपास के स्कूल्स वगैरह में देख लो। लेकिन अगर पर चाइल्ड 1000 रुपीज़ एक्सीड नहीं करती, 1000 रुपीज़, ठीक है, तो इन दैट केस स्टूडेंट्स वहाँ पर उसको कोई टैक्स नहीं देना पड़ता, कि भाई चलो ठीक है इतना तो एम्प्लॉयर एम्प्लॉय के लिए कर सकता है कि 1000 रुपये पर महीना उसके चिल्ड्रन पर लगा रहा है, ठीक है, पर चाइल्ड 1000 रुपये पर मंथ। अब यहाँ देखो कि उन्होंने कहा कि भाई इस केस में जो उन्होंने कॉस्ट कैलकुलेट करी है आरती के लिए, दैट इज 900 पर मंथ। कितनी है, 900 पर मंथ है, यानी इन द केस ऑफ 900 पर मंथ 1000 रुपीज़ एक्सीड नहीं कर रही तो दैट इज एग्जाम्प्टेड। अशोक के लिए 1200 रुपये पर महीना है, भाई ये तो कर गई ना उसको एक्सीड, सो इन दैट केस स्टूडेंट्स जो 1200 रुपये हैं यानी 1200 रुपीज़ पूरा का पूरा टैक्सेबल हो जाएगा, 1200 × 12 दैट इज 14,400 रुपीज़, क्लियर। ऑल्टरनेट व्यू ये था कि हम सिर्फ एक्सेस वाला पार्ट यानी 2000 को टैक्सेबल कर लेते तो 2400 रुपये आ जाता, ठीक है। चलो नेक्स्ट उसने बोला थर्ड पार्ट, द एम्प्लॉयर हैज प्रोवाइडेड मूवेबल असेट्स सच एज टेलीविजन रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर एट द रेजिडेंस ऑफ बाला। उसने कुछ मूवेबल असेट्स प्रोवाइड कर दिए, एक्चुअल कॉस्ट थी उसकी 1,10,000 रुपये। क्या पढ़ा था हमने अभी स्टूडेंट, मूवेबल कॉस्ट के केस में मैम 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट पढ़ा था ना अभी हमने, यस। सो स्टूडेंट 10% ऑफ एक्चुअल कॉस्ट, या फिर अगर कंपनी ने उसके लिए कुछ हायर चार्जेस पे किए होते, हायर चार्जेस तो पे नहीं करे, कॉस्ट दी हुई है यानी कंपनी की खुद का है, तो यहाँ पर आ जाएगा 10% ऑफ 10, कितना दिया हुआ है इसमें, 1,10,000 आई थिंक, सो 11,000 रुपीज़ That shall be the taxable purchase. Higher charges होते तो higher charges देख लेते, ठीक है। Next part, gift voucher दिया है 10,000 का, was given on the occasion of his marriage anniversary, और ये सब companies को दिया above a certain grade, ठीक है। तो यहाँ पर students हमने बात करी थी क्योंकि exceeding 5,000 रुपये है ना, तो यहाँ पर और देखो मैम मैरिज की मैरिज नहीं है, मैरिज एनिवर्सरी है, ठीक है। तो स्टूडेंट इन दैट केस यहाँ पर क्योंकि वो 5,000 रुपये से ज़्यादा है तो एंटायर 10,000 रुपीज़ शेल बी टैक्सेबल। ऑल्टरनेट व्यू सिर्फ एक्सेस वाला पार्ट कर सकते थे, मैं कहूँगी हर क्वेश्चन में टोटल लेते हुए चलना, ठीक है। चलिए टेलीविजन प्रोवाइड, अच्छा मैम फिर भी अगर एक सेफ साइड चलना है, इंस्टीट्यूट के स्टडी मटेरियल में है तो आप टोटल ले सकते हो, डोंट वरी। टेलीफोन प्रोवाइडेड एट द रेजिडेंस ऑफ श्री बाला एंड द बिल एग्रीगेटिंग टू 25,000 पेड बाय द एम्प्लॉयर। स्टिल लगे तो एक ऑल्टरनेट व्यू भी आप नीचे उसको लिख कर आ सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में टोटल लिखो, ऑल्टरनेट व्यू भी लिख दो कि हाँ भाई अगर ऑल्टरनेट देते तो ऐसा होता, ओके। टेलीफोन का बिल प्रोवाइड नहीं करा, टेलीफोन प्रोवाइड करा श्री बाला और बिल जो है 25,000 रुपये आया। 25,000 कहाँ कहाँ बातें करी, हाँ लगाना ठीक है कर लेते हैं। अब स्टूडेंट्स हमने बात करी कि टेलीफोन प्रोवाइड कर रहे हो अगर आप एम्प्लॉय के रेजिडेंस पे, ठीक है, तो वो जो बिल आता है जो एम्प्लॉयर देता है वो हमेशा टैक्स फ्री पर्क होता है, ठीक है, तो इस पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। हाउसिंग लोन, इंपॉर्टेंट पार्ट, हाउसिंग लोन है 6% पर एनम के हिसाब से, अमाउंट आउटस्टैंडिंग रहा 6,00,000 रुपये का, यानी 6,00,000 रुपये जो है बाला को देने थे, 6% पर एनम के हिसाब से दे आर चार्जिंग हिम, बाला जो है 12,000 रुपये पर मंथ दे रहा है ऑन 5th ऑफ ईच मंथ। अच्छा मैम मार्केट रेट देख लो, SBI का रेट ही है, SBI का रेट है 10%, SBI के रेट से कंपेयर करते हैं ना कि SBI 10% दे रहा है आप 6% दे रहे हो, यानी 4% का परक्यूजिट है। अब कई स्टूडेंट्स करेंगे यहाँ गलती, 4% लगाएंगे स्ट्रेट कि मैम 4% ऑफ आउटस्टैंडिंग अमाउंट, व्हाट इज आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, 6,00,000,
सबसे 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 बड़ी गलती क्यों, उसने ये कहा डेट ऑन द डेट ऑफ एवरी फिफ्थ ऑफ डेट ना, वो क्या कर रहा था स्टूडेंट्स, वो वहां पर पेमेंट कर रहा था 12,000 रुपए की, 12,000 की पेमेंट थी ये, 12,000 पर मंथ जो है वो पे कर रहा था। यानी इन दैट केस हमें यहाँ पर देखना पड़ेगा कि उसका आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना और हर बार उसको कितना इंटरेस्ट जो है वो बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, अब देखो उसके पास स्टूडेंट्स आउटस्टैंडिंग बैलेंस था, यहाँ से देखो कितना, 6 लाख। 5 अप्रैल को उसने क्या किया होगा, 12,000 रुपये पे कर दिए, यानी एट द एंड ऑफ अप्रैल उसके पास आउटस्टैंडिंग बैलेंस कितना आ गया, उसके पास 6 लाख रुपए थे, 6 लाख में से 12,000 गए तो 5,88,000। अब 5,88,000, फिर मई का देख लेते हैं, जून जुलाई, इंटरेस्ट मैं बाद में कैलकुलेट करूंगी, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इस तरीके से उसको लिख लूंगी, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी, देख लेते हैं उसने कुछ और बताया नहीं, तो यानी पूरे साल का लेना है, सो फरवरी एंड द मार्च पार्ट। करना क्या है, 12,000 रुपये माइनस करते रहो। अब सबसे बड़ी गलती करते हैं, बार 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 इंटरेस्ट निकालोगे नहीं, इसमें से ही कैलकुलेटर पे 12,000 माइनस करते रहो और लिखते रहो, 5,88,000 सीट माइनस 12,000 सो इट बिकम्स 5,76,000। कैलकुलेटर पे इसको रखो, ठीक है, इसमें से फिर 12,000 माइनस कर दो, स्मार्ट वर्क करो, 5,64,000 अगेन माइनस 12,000, 5,52,000। दिस इज द वे टू डू एन आंसर इन एवरी सब्जेक्ट, ठीक है, कि स्मार्ट वर्क करो, 12,000, 5,40,000 अगेन 12,000 माइनस करते रहो, 5,28,000 माइनस 12,000, 5,16,000। अब कुछ स्टूडेंट्स को लग रहा होगा मैम इक्वल्स टू दबाते रहो ना, स्मार्ट ट्रिक होगी, डेफिनेटली होगी, बट मुझे ऐसा लगता है CA CM में इंटरमीडिएट एग्जाम्स में ना वो स्मार्ट ट्रिक्स कई बार पता नहीं क्यों ऐसा होता है, कई बार कैलकुलेटर प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं कर रहा है कुछ, तो आई विल सजेस्ट यू कितना सा टाइम लगता है उसको करी लो, कि पेपर में हम लोग रिस्क नहीं ले सकते, ठीक है। माइनस 12,000, 5,04,000, ठीक है, माइनस 12,000, 4,92,000, अगेन माइनस 12,000, दैट इज 4,80,000, अगेन 12,000 माइनस कर देंगे, सो 4,68,000, अगेन माइनस करा, सो 4,56,000। अब जिन स्टूडेंट्स को वो स्मार्ट ट्रिक पता करनी है, मैं वो भी बता रही हूँ, आप वो स्मार्ट ट्रिक सिर्फ तब करो अगर आप घर पे भी उससे प्रैक्टिस कर रहे हो, ठीक है। सो वो कैलकुलेटर की ट्रिक सुनो, आपने स्टूडेंट्स, आई होप द कैलकुलेटर इज विजिबल टू एवरीवन, ठीक है, आपने 6 लाख रुपीज लिए थे, 6 लाख रुपये लिए ना यहाँ पर, यस, इसमें से स्टूडेंट्स माइनस कर रही हूँ मैं 12,000 रुपीज, ओके 5,88,000 आ गया। बार बार माइनस बारह नहीं करना, इसको इक्वल्स टू दबाते रहो, क्योंकि आपने एक कमांड दे दी है कि उसको जो है माइनस 12,000, तो वो आप अगर सिर्फ इक्वल्स टू दबा रहे हो तो वो माइनस 12,000 ऑटोमेटिकली करता रहेगा और आपको आंसर देगा, ठीक है। बट ये तब करना है अगर आपने ऑलरेडी घर पर ऐसे प्रैक्टिस करी है। अब आती है बात उसका इंटरेस्ट कितना पेंडिंग रहता है, ठीक है। अब स्टूडेंट देखो 5,76,000, अच्छा कितना इंटरेस्ट का अब उसको परक्यूजिट मिल रहा है, 4%, कैसे, 10% माइनस 6%, 10% SBI का रेट था, 6% दे आर चार्जिंग विद हिम, ओके सो 4% निकालो। अप्रैल में 5,88,000 मल्टीप्लाई बाय 4% कम्स टू 23,520, लिख देंगे नहीं, मैंने सिर्फ एक महीने का देखना है, बिकॉज इट एवरी ईच एंड एवरी मंथ मैं अलग अलग कैलकुलेट कर रही हूँ, सो इसको करो डिवाइडेड बाय 12, इट कम्स टू 1960, समझ आया, डिवाइडेड बाय 12 करेंगे कि 12 महीनों का ले लिया, 5,76,000 मल्टीप्लाई बाय 4%, अच्छा आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बताओ कितने से डिवाइड करोगे, जल्दी से बताओ स्टूडेंट्स। मैम अब उसको यहाँ पर हमारे पास आ गया 5,76,000 मल्टीप्लाई बाय 4%, अगेन ये 4% 12 महीनों के लिए है, मुझे एक महीने के लिए चाहिए, सो डिवाइडेड बाय 12, ठीक है, ये आ गया 1,920, क्लियर, आई होप क्लियर हो रहा है, ठीक है। नेक्स्ट 5,64,000 इंटू 4% डिवाइडेड बाय 12, 1,880, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर
सो दिस इज 1880। इसी तरीके से स्टूडेंट्स हम पूरा क्वेश्चन यहाँ पर कर लेंगे तो देखो हमारे पास ये इंटरेस्ट अमाउंट आ जाएगा। ठीक है, टू सेव द टाइम मैं यहाँ पे करके नहीं दिखा रही, तो टोटल वैल्यू आ गई पर की, जब हम इंटरेस्ट कंप्यूट कर लेंगे टोटल इंटरेस्ट, दैट इज 20,880 रुपीज। इज इट क्लियर टू एवरी वन? ठीक है, फिर आता है मैम टोटल वाला भी बता दो एक बार कि टोटल कितना बैठा। तो स्टूडेंट्स नाउ व्हाट वी आर गोइंग टू डू इज, हमारे पास हर पार्ट का हमने निकाल लिया कि कितना कितना उसके पास टैक्स बन रहा था। ठीक है, तो उन सबको ऐड कर लेंगे। जैसे डोमेस्टिक सर्वेंट के केस में 18,000 रुपये, अब आया वन जो हमारे पास, तो इसके तरीके से हम क्या करेंगे तो उसको टोटल को ऐडअप कर लेंगे। ठीक है, ये आ गया हर पार्ट का ऐड करने के बाद 74,280 रुपीज़। ओके, आई होप क्लियर है मैम। ये ऑल्टरनेट व्यू क्या है कि अगर ऑल्टरनेट व्यू से करते तो आंसर ये आ जाता है। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? आई होप सबको अच्छे से क्लियर है। इसके बाद के जो क्वेश्चंस हैं आपको वो मैं करवाऊंगी नेक्स्ट सेशन में, साथ की साथ में। कल ध्यान रखना स्टूडेंट, आपके पास एक सेपरेट सेशन भी आने वाला है जिसमें हम क्वेश्चन कवर करने वाले हैं जो मैंने आपको बताया था, जिसमें थोड़ा सा डिफरेंट है सैलरी पर्पस। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कमेंट शेयर करना मत भूलना, एंड येस प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल टू गेट द मोर अपडेट्स। थैंक यू।